वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का, वो है थायराइड ग्लैंड, जिसमें हम लोग देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो थायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, ये बाइलोब्यूलर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे लेरिंक्स की इन्फीरियर साइड पे और इंटीरियर साइड से प्रेजेंट होते हैं और नेक में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसका कलर देखें तो ये ब्राउनिश रेड कलर के होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये ना जो आयोडीन बेस्ड हार्मोन्स होते हैं उनकी सिक्रेशन करते हैं, जिनमें हमारे पास ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन जो हैं वो ये उनको प्रोड्यूस भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं, देन उनको सिक्रीट भी करते हैं। उसके बाद ये बेसिकली ड्राइव कहाँ से होते हैं, ये जो टंग का सिकम होता है ये उसकी एंडोडर्म से जो है डिवेलपिंग एंडोडर्म से ड्राइव होते हैं। उसके बाद ये बेसिकली लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और जो कनेक्टिव टिश्यू का जो सेप्टा होता है वो थायरॉयड ग्लैंड को टो लोब्यूल्स में जो है वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो हर लोब्यूल्स होता है वो क्या होता है कि उसमें न्यूमरस थायरॉयड फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो थायरॉयड फॉलिकल्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने जो है वो ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन को सिंथेसाइज भी करना होता है और रिलीज भी करना होता है। अब ये जो फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर क्लोइड के साथ ये फील्ड होते हैं। क्लोइड क्या होता है कि बेसिकली जेलाटिनस सब्सटेंस होती हैं, इनके अंदर जो हैं वो बेसिकली ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन जो हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं वो थायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड थी कि बाइलोब्यूलर होते हैं नेक में और लेरिंक्स के इन्फीरियर और इंटीरियर पे प्रेजेंट होते हैं, ब्राउनिश रेड कलर के होते हैं, T3 और T4 को स्टोर भी करते हैं और सिक्रीट भी करते हैं, और जो है वो टंग के सिकम से जो है वो ड्राइव होते हैं, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू इनको जो है वो टू लोब्यूल्स में डिवाइड करता है। उसके बाद इनमें जो हर लोब्यूल्स के अंदर थायरॉयड फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, जिनका फंक्शन T3 और T4 के सिक्रेशन होता है। उसके बाद ये बेसिकली सिंपल जो है क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, ये जो थायरॉयड फॉलिकल्स होते हैं ना वो बेसिकली सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, सिंपल क्यूब शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है इनकी सिक्रेशन के ऊपर कि ये अपने शेप को जो है वो चेंज भी कर लेते हैं। ये सिंपल स्केमस मेन के इनएक्टिव स्टेट में भी जा सकते हैं और कॉलम्स की फॉर्म में भी बन जाते हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है कि इनकी स्टेट ऑफ सिक्रेशन जो है वो कैसी है। उसके बाद ये जो थायरॉयड ग्लैंड होता है वो उसका बेसिक फंक्शन ये भी होता है कि ये बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो आयोडीन होती है वो बेसिकली थायरोक्सिन की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होती है। ठीक है, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें पता है कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, थायरॉयड ग्वाइटर जो है वो बन जाएगा। उसके बाद दूसरी सेल्स है पैराफोलिकुलर सेल्स। पैराफोलिकुलर सेल्स को हम जो हैं वो क्लियर सेल्स भी बोलते हैं या फिर सी सेल्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा होते हैं, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा, ये उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम ये होता है कि इन्होंने कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करनी होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये क्या काम करते हैं कि ये जो ब्लड के कैल्शियम लेवल को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि ये जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं ना रिजॉल्विंग बॉन्ड टिश्यू से, उसको इनहिबिट कर देते हैं। अगर हाई ब्लड कैल्शियम लेवल होगा ना तो उससे ये होगा कि जो पैराफोलिकुलर सेल्स को स्टिम्युलेट करेगा कि वो कैल्सिटोनिन रिलीज़ करें। ठीक है, इनका जो जो सेल्स होते हैं ना, इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो राउंड होता है और पेल इनका साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इनमें ग्रेव डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, इनमें ग्रेव डिजीज़ हो जाती है। ग्रेव डिजीज़ जो है ना उसमें वो एग्ज़ाम्पल है पैराथायरोडिज़म की। हाइपरथायरोडिज़म है। हाइपरथायरोडिज़म का मतलब ये होता है कि इसमें जो थायरॉयड हार्मोन है उसकी एक्सेसिव अमाउंट प्रोड्यूस होती है। और दूसरी टर्म है हाइपोथायरोडिज़म। ठीक है, हाइपोथायरोडिज़म में क्या होगा कि जो थायरॉयड हार्मोन की जो है वो बहुत लो क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी, तो वो हाइपोथायरोडिज़म हो जाएगा। ठीक है,
अगर हमने देखा कि अगर पहला फॉलिकुलर सेल क्लियर सेल्स भी इनको हम कहते हैं, ये इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा में प्रेजेंट होते हैं, कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस करते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करते हैं ताकि ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ कर सकें। अगर ब्लड का कैल्शियम लेवल ज़्यादा है तो उससे पैरा फॉलिकुलर सेल क्या करते हैं, कैल्सीटोनिन जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और इन और उसके बाद हमने देखा था कि इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो राउंड होता है, पेल साइटोप्लाज्म होता है, इनकी वजह से ग्रेविस डिजीज़ हो जाती है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है जिसे कहते हैं कि थायरॉयड हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में होता है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। मीन हाइपो का मतलब होता है लो, इसमें जो थायरॉयड हार्मोन की जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है, जिससे हाशिमोटो थायरॉयडिज्म भी